इस बात से कि घर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए हम लंबे समय से मांग शामिल होंगे, हालांकि बहुत दिनों से चर्चाएं थी, मुलाकात का दौर भी बढ़ रहा है। देखिए, ये तो हम आपके मुंह से सुन रहे हैं कि चर्चाएं हो रही है कि मुलाकात हो रही है, तो रोज मुलाकात हो रही है, रोज बात हो रही है, रोज सरकार में शामिल करा जा रहे हैं और शाम तक सरकार से बाहर हो जा रहे हैं और रोज सांसद बना रहे हैं, रोज मंत्री बना दे रहे हैं। तो ये कयासबाजी का दौर जो चल रहा है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब जमीन पर काम करती है तो कहीं ना कहीं वो आवाज दूर तक चली जाती है और वो नेताओं को दिखने लगता है कि इस आवाज को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए, चाहे वो दूसरे खेमा वाले हों चाहे इधर वाले खेमा वाले हों। तो सबको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जरूरत है और ये सच है कि जिसके पास जनाधार होता है उसी के साथ सब जाते हैं। आने वाले समयों में कुछ अच्छा होगा तो वो भी आपके सामने दिख जाएगा और जनता के हित में होगा और समाज के हित में। मुलाकात तो आपकी मुख्यमंत्री योगी जी से भी हुई, डिप्टी सीएम से हुई, परिवहन मंत्री से हुई, तमाम कार्यक्रमों में आप साथ में शामिल हुए, एक घंटे तक मुख्यमंत्री से मुलाकात चली, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, तो निश्चित तौर पर बात कुछ सार्थक दिशा में आगे बढ़ रही होगी, तभी चर्चाएं हो रही। देखिए, मुलाकात सबको करना चाहिए, हम तो चाहते हैं श्री अखिलेश यादव जी भी मुलाकात करें माननीय योगी आदित्यनाथ जी से। इस बात से कि घर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन वो खामोश पड़े हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस समाज को भी भागीदारी मिले, इस समाज का भी उत्थान हो, आगे बढ़ने का रास्ता दिखे। वो तो ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारे लोगों का उत्थान हो, जो हमारे इर्द गिर्द बैठे लोग हैं उनका उत्थान हो और समाज के जो उपेक्षित वर्ग हो, जैसे ये नारा दे रहे हैं पीडीए 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 नारा दे रहे हैं, क्या पिछड़े में राजभर समाज नहीं आता है? अगर उसके सशक्तिकरण के लिए हाईकोर्ट कह रहा है कि भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए प्रस्ताव भेजा जाए दिल्ली, तो फिर दिल्ली भिजवाने के लिए विपक्ष की सभी पार्टियां क्यों नहीं एकजुट हो रही? यही तो बात है कि सिर्फ जुबान पर पिछड़ा दलित आदिवासी आता है, जब उनके हित की बात आती है तो ये जुबान बंद हो जाता है। इसीलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इन मुद्दों को सार्थक करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये सच है कि कुछ अच्छा होगा और समाज के हित में ही अच्छा होगा। अच्छा, कुछ बात आगे बढ़ पाई, कोई मुलाकात में आगे बढ़ पाई के साथ चलेंगे तो फायदा होगा, कहा यह जा रहा है कि आपने 15 सीटों पे अपने जो है आकलन दिया है कि यहाँ पर राजभर समाज जो है वो किस तरह से अपना असर दिखाता है, 3 सीटें लोकसभा में आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, इस तरह के तमाम चर्चाएं चल रही है। देखिए, हम इसको 2 सीट 3 सीट 5 सीट की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को जो लोग कल तक कम आते थे, मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जाकर के अपनी ताकत का आकलन कराया 2017 में, 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ जाकर आकलन कराया। आप वही रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, मैं मौखिक नहीं कह रहा हूं या मैंने जुबानी बात नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं जो भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर है कि एक एक विधानसभा में 50,000 60,000 70,000 वोट हमने ट्रांसफरेबल कराया, तभी भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर की 7 सीट हार गई। आप वही आजमगढ़ का देखेंगे, बस्ती का देखेंगे, अंबेडकर नगर देखेंगे, बलिया, मऊ, चंदौली, जौनपुर उठाकर देखेंगे, उत्तर प्रदेश की 32 लोकसभा सीटों पर अगर उठाकर रिजल्ट देखेंगे तो बीजेपी 1.5 लाख 2-2 लाख पीछे हमसे है। उसी को लेने के लिए हर लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे काम खेमा में आ जाए। तो ये सच है कि हम हमेशा से पिछड़े दलित उपेक्षित वर्गों के उत्थान के लिए, उसके सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन और क्यों नेता जो पिछड़े वर्ग की बात करते हैं वो क्यों नहीं साथ देते हैं? इसका मतलब उनका काम सिर्फ ये है कि इनका नाम लो और इनके भरोसे सत्ता पाओ और फिर इन्हीं का कागज दबा करके उनका अधिकार लूटो। तो इस काम को हम नहीं करते हैं, हम सशक्तिकरण के लिए, हम तो कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ही हमने आदिवासी समाज का समर्थन किया। राष्ट्रपति के चुनाव में हमने आदिवासी समाज क्यों समर्थन किया? हमारा बीजेपी से गठबंधन था नहीं, लेकिन हमने खुल के इस बात से कहा कि जब बाबा साहब की परिकल्पना थी कि आदिवासी समाज जो मुख्य धारा में नहीं जुड़ रही है उसको उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए कोई रास्ता बन रहा है तो उस रास्ते में सबको साथ देना चाहिए। विरोध किसने किया? जनता के सामने। तो जिन लोगों ने पिछड़े दलित आदिवासियों का साथ नहीं दिया है उस समय का, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे मंत्री का चुनाव हो, चाहे कोई भी सामाजिक फैसला हो, अगर उसमें साथ नहीं दिया तो जनता उसका फैसला कर देगी। 2024 में हम जिस परिस्थिति में काम कर रहे हैं, जिस योजना को बनाकर हम काम कर रहे हैं, हमारे संगठन के लोग लगातार बैठक कर रहे हैं, जिलेवार समीक्षा चल रही है, मंडलवार समीक्षा चल रही है, आने वाले समय में हम 80 लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति बना रहे हैं। हम जिसके साथ जाएंगे ये कामयाबी देश के शिखर पर वहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो अनुराज का ये कहना है कि हम 80 लोकसभा सीटों पर जीतने की रणनीति